हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है ब्लॉग का पार्ट 3 विच आई एक्चुअली कुड नॉट अपलोड, सो या प्लीज कीप वॉचिंग द आउटफिट। एंड मतलब ये मैंने अभी जोधपुर से ख़रीदा था, इट इज़ सो गुड। एंड ये जो बैंगल्स है ना, दे आर फ्रॉम जौहरी बाजार, मतलब परफेक्ट मैच कर रहे थे मेरे ड्रेस के साथ। सो आई थॉट लेट्स जस्ट वेयर इट विद सम डेनिम्स। लाइट भी गई, बस मोजरी की कमी है, वो भी हम पूरी कर लेंगे। सो लेट्स गो। एंड अभी हम जा रहे हैं डेजर्ट। तो डेजर्ट के लिए हम बिल्कुल एक्साइटेड थे। तो बिफ़ोर वी गो टू द डेजर्ट, ये लोग हमें रिजॉर्ट में ठहराते हैं जस्ट टू डू सम फॉर्मेलिटीज़ एंड एवरीथिंग। दे विल टेल यू कि आपको क्या क्या करना है वहाँ पे, क्या क्या पैकेजेस में क्या क्या इंक्लूडेड है। सो बस फिर हमारी गाड़ी आ चुकी थी एंड वी वेंट। सो हम जा रहे हैं सफारी, जीप सफारी से। सो ये हमारी सफारी स्टार्ट हुई एंड यू नो व्हाट, वी सॉ दिस अमेजिंग व्यू। मतलब इतने अप्स एंड डाउन्स थे, हमें ऐसा लगता था हम गिर ना जाएं, बट इट वाज वेरी स्कैरी एंड रियली अमेजिंग। लाइक ये एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग है एंड ये लाइफ टाइम याद रहेगा। सो डेफिनेटली आप इसको इन्जॉय करिएगा कभी भी आप चाहें तो। तो मेरे पीछे आप जितने भी ये पेड़ पौधे देख रहे हैं ना, ये सब कैस्टर बीन्स की कल्टिवेशन है। इसी से फिर कैस्टर ऑयल बनता है। तो काफ़ी मेहनत लगती है, मतलब इसका पूरा प्रोसेस इन्होंने मुझे समझाया था एंड काफ़ी खेती थी कैस्टर बीन्स की। सो या इट वाज गुड। सो वी हैव रीच्ड डे 2, ठीक है। यहाँ पे ये समसारा रिजॉर्ट है हमारा, तो यू कैन सी द व्यू, इट इज़ ब्यूटिफुल। हमारा विच इज़ दिस टेंट, दिस इज़ लग्जरी टेंट। बाकी ये नॉर्मल टेंट्स हैं, वो छोटे पीछे हैं। अगर आप आते हैं तो एक बार लग्जरी टेंट का भी बिल्कुल फ़ायदा अच्छा उठा लीजिएगा। सो दिस इज़ द एंट्रेंस। बहुत ही मतलब ना एक रस्टिक लुक दिया इन लोगों ने, सो दिस इज़ प्रिटी गुड। दिस इज़ फॉर योर आउटडोर सीटिंग्स एंड एवरीथिंग, ये आपका बहुत सही है। आई स्पेशली लाइक दिस बैम्बू का जो ये कॉटन्स वगैरह हैं। देन यू हैव दिस अमेजिंग इंडोर, इन्होंने बहुत ब्यूटिफुली इसको इतना सही सजाया। आई रियली लव दीज बॉक्सेस। मतलब पुराने ज़मानों में ये यूज़ होता था ना, इन्होंने अब हमारी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं फ्रॉम पिलोज टू एवरी थिंग दे हैव गिवन हियर। और पीछे से भी अलग व्यू है। सो हियर कम्स द वॉशरूम, दिस इज़ योर बेदिंग एरिया अगेन एंड योर वॉशरूम। सो इन ऑल मुझे ये बहुत अमेजिंग लगा, लाइक लिटरली वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर आना, डू कम, समथिंग रियली नाइस। सो अभी हम जा रहे हैं कैमल राइड पे एंड सी यू देयर। तो कैमल राइड करते हुए मेरा कैमल इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था कि मेरे से कुछ भी शूट नहीं हो पाया। आई हैव फ्यू पिक्चर्स एंड मैंने शॉर्ट्स में भी उसको शेयर किया है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच माई शॉर्ट्स। एंड तब तक यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम की तैयारी हो रही थी। सो या वी वर ऑल सेट एंड वी वर वेटिंग फॉर अदर गेस्ट्स टू जॉइन अस। तब तक हमने सोचा थोड़े पीनट्स वगैरह खा लेते हैं, थोड़ी चिट चैट कर लेते हैं। ठंडे ठंडे रेगिस्तान में अगर आपने एक कप ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीना तो फिर आपने क्या पिया। आई टोल्ड देम टू मेक माई टाइप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी एंड अभी दे हैव स्टॉप्ड द कल्चरल प्रोग्राम फॉर अ वाइल, क्योंकि हमारे और भी बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे डिनर के लिए। डिनर इस एक्चुअली देर वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है ना, ये वहाँ पे इनका बुफे सिस्टम है। सो या
काफ़ी ठंड हो चुकी है और अभी हम बुफे के लिए आ गए हैं. सब कुछ रेडी है. सो आई शो यू क्विकली. एक्चुअली इतना स्टीप हो जाता है, चलते चलते सांस फूल जाती है हमारी. तो अभी मैं आई एम गोना शो यू व्हाट इज़ देयर इन आवर डिनर. प्योर राजस्थानी कुजीन है. This is a salad. This is red chili chutney. This is green chili का कुछ तो बनता है इनका different. This is rab. हाँ. So this is all the items. Your rabodi hara pyaz, sangri, dal Rajasthani, jeera rice, bati, ghee, gud, churma, and this is lapsi. So I'm gonna quickly set. myself and then I'll show you what am I eating. So I'm making dal bati. I'm eating dal bati churma with their chutney. And Rohit has taken butter paneer chicken. He's waiting for his dal also. Okay. He's waiting for his naan. I think roti. Roti. Yeah. Okay. Let's eat. So this is dal. This is matar paneer. This is kheer sangri, jeera rice, techa. I don't know what all they call it. This is gatte ki sabzi. This is rabodi with hara pyaz. This is my husband. And this is roti hum saath mein kha rahe hain. So let's enjoy. Humne in camel se kal safari ki thi. Matlab ride ki thi in pe. Kitne cute hai na. Abhi aap logo ko shayad dikh nahi rahe honge. Aage wala mera tha. और इतने क्यूट लग रहे थे ना कि मतलब मन कर रहा था फिर से इनका इनके ऊपर एक बार राइड कर लूँ. तो यार दिस वाज द मॉर्निंग व्यू एंड हमें वापस भी जाना था. सो हम फटाफट रेडी हो गए थे एंड रोहित वाज गेटिंग रेडी. इन द मीन टाइम मैं यहाँ पे व्यू कैप्चर कर रही थी एंड वापस आके तो बड़ा बुरा लग रहा था यार. आई विश एक दिन और रुक जाते बट यू नो इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि दिन ही बड़े कम थे. तो ये था हमारा होटल जहाँ पे हमने वन नाइट के लिए बुकिंग कर रखी थी बिकॉज नेक्स्ट डे वी हैड टू गो. लेट्स गो इनसाइड. हमने ऑर्डर की है ये इनकी जिप्सी स्पेशल थाली एंड दीज आर ऑल द आइटम्स दे हैव. सो लेट मी ट्राई दिस एंड टेल यू. ठीक है. द फूड वाज अमेजिंग. वी हैड इट एंड आई थिंक आई विल रेट इट गुड 8/10. पूरा वी फिनिश्ड. सो या दैट वाज ग्रेट एंड वी आल्सो लाइक देयर सर्विस. We are standing outside the Gypsy. How was it? How was the thali? Thali, बहुत अच्छी थाली थी. अरे खाना बहुत अच्छा था उसका. Especially लच्छा परांठा. मैंने ऐसा लच्छा परांठा कभी life में नहीं खाया. बहुत tasty लच्छा परांठा. Great. Even सब्जियाँ भी बहुत अच्छी थी. Especially दाल मखनी. दाल मखनी. बहुत अच्छी. So yeah, whenever you visit here, एक बार इनकी veg थाली ज़रूर try करिए. फिर हम निकल पड़े तू जी का झालरा देखने एंड थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी मुझे. यहाँ के घर देख के ना बड़ा मज़ा आता है यार. ये ब्लू कलर देख के आई लव ब्लू. तो ब्लू सिटी में तो यार अलग ही फीलिंग आ रही थी एंड बस फिर आ गया. Let's go. So you enter from here and it's a very cozy, cute shop. You can see all the collections, especially the mojris out here. You can check it out. I have bought few of them. I'll show you once we land back in Delhi. सो ये है आज हमारा लास्ट डेस्टिनेशन फॉर टुडे. दैट इज ऑन द रॉक्स कैफे. सो यू कैन सी इट्स ब्यूटीफुल. मतलब अच्छा अच्छा व्यू है. सो एक्चुअली हमें खास बाग में जगह नहीं मिली थी. यू कैन गो एंड ट्राई देयर ऑल्सो. वहाँ पे प्राइवेट पार्टी कुछ चल रही थी. सो दे वर गिविंग अस अ लॉन्ग आवर्स का गैप कि अब 9:30 बजे. हाँ अभी मैरिज सीजन चला हुआ है. दैट्स फाइन. ओके तो अभी हम यहाँ पे एंड फाइनली ही विल ट्राई लाल मास जो कि यहाँ की स्पेशलिटी एंड आई हैव ऑर्डर्ड सम राजवाड़ा प्लाटर.
सो आई विल शो यू वंस माय ऑर्डर एंड हिज ऑर्डर कम्स. तो यहाँ मेरे स्टार्टर्स आ गए थे एंड रोहित का भी खाना आ चुका था. प्लीज़ गो एंड चेक आउट माई शॉट्स कि हमें खाना कैसा लगा. इट वॉज नॉर्मल बट रोहित को लाल मांस से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी. क्या बात कर रही है? अगर आप जोधपुर आएँ इंदाना पैलेस में तो बिल्कुल भी अपना रूम मत लेना क्योंकि यहाँ का बुफे बिल्कुल ठीक नहीं है. मैंने डोसा मांगा था, मुझे डोसी मिली है. डोसे का भाई बेटा इनफैक्ट सॉरी. एनीवेज लेट्स ईट दिस. क्योंकि मैं मिर्ची वड़ा नहीं खा पाई थी जाते जाते ही मैंने रोहित को बोला कि मुझे मिर्ची वड़ा खाना. कचोरी खिलानी पड़ी मुझे, बहुत इल्ज़ाम लग रहे थे. मैंने कचोरी नहीं है, मिर्ची वड़ा है. मैं जोधपुर आया हूं, कचोरी भी है वो भी खानी है. देखती हूं उसको खाने के बाद सोचती हूं. ओके बाय रोहित. प्लीज़ मेरा भी इमरजेंसी वो भी आज सुन लो. हाँ यार एक तो ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप किसी एयर होस्टेस से शादी कर रहे हो सबसे प्रॉब्लम ये है कि वो आपको पूरी फ्लाइट में ही सुनाती रहेगी. अब मेरा कंपेयर करो कैसा होगा. अरे मेरे को नहीं सुनना यार. नहीं मैं अच्छा बोल सकती हूँ इमरजेंसी एग्जिट. पता है बहुत अच्छा बोल सकती हूँ, बहुत अच्छा बोलती हूँ. और मैं बार बार सुनूँगी, मेरे को तो लग रहा है मैं खुद ये जॉब कर सकता हूँ थोड़े टाइम. हेलो गुड आफ्टरनून सर, आप एक इमरजेंसी एग्जिट. बचा लिया मुझे कैप्टन. यही होता है यार, अगर एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर से आप शादी कर रही हो ना, और अगर आप एक कैबिन क्रू हो तो फिर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सुननी पड़ती हैं क्योंकि ये तो पानी में रहते हैं. तो अच्छा है वो गाइस, बाय बोल दो. सो वी हैव रीच्ड इन दिल्ली. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल माई व्लॉग्स. बाय.